पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी थाना क्षेत्र के बाराद्वार इलाके में एक पुआल टाल में अचानक आग लग गई। जल्द ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटों पास की एक फर्नीचर दुकान को भी चपेट में ले लिया। इसमें इस दुकान का सारा फर्नीचर धू धू कर जल गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पुआल टाल और फर्नीचर दुकान का सामान नहीं बच सका। जमशेदपुर शहर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीडी मेन रोड बाराद्वारी के पास शुक्रवार रात पुआल टाल में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पुआल टाल के पास एक भवन के पहले तल तक पहुंच गई और पहले मंजिल पर स्थित फर्नीचर दुकान को चपेट में ले लिया। इधर आग की लपटें देख आसपास के लोग डरे सहमे रहे। घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी मची रही। लोगों ने ही पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। इधर मौके पर झारखंड अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग न बुझती देख टाटा स्टील की 2 दमकल गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग पहले पुआल टाल में लगी और देखते ही देखते पास के एक भवन में स्थित फर्नीचर दुकान तक पहुंच गई और फर्नीचर जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।